हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। गाइस, आज हमारे पास आया है एक पेपिलोमा वायरस का केस और मैं आपको दिखाता हूँ पेपिलोमा वायरस क्या होता है। ये इसके देखिए सारे जो अपना ये सारे के सारे वार्ड्स हो रखे, ये पेपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। इस बीमारी को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। वैसे बड़ी रेयर होते हैं, बहुत कम केसेज आते हैं, पर जिसके घर में जिसके कैनल में इस टाइप की बीमारी फैल जाती है तो सारे डॉग्स के अंदर फैल जाती है। जैसे ही इसका सलाइवा कोई और डॉग लिक करता है उसके अंदर वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका बेसिकली मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं इसकी सर्जरी करके रिमूव कर दो, इसकी हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करके आते हैं इसके अंदर इस टाइप के केसेस में। तो इस जो पेपिलोमा वायरस का जो एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसके लिए होम्योपैथी दवाई आती है थूजा के नाम से, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है थूजा, 200 पोटेंसी की यूज़ करते हैं हम। उसको देने का तरीका क्या होता है कि 10-10 बूंदें इसकी जीभ पे गिरानी होती हैं, दिन में 3 बार गिरानी है और 10-10 बूंदें जितने भी वार्ड्स हैं उस पे गिरानी है। अब इसकी देखिए सारे यहाँ पर हो रखा है, टंग के नीचे सब जगह वाइट हो रखा है। ये देखिए ऊपर तक यहाँ पर वार्ड्स आए हुए हैं, यहाँ पे ये सारे वार्ड्स हैं। तो ये सारे वार्ड्स विद इन 1 वीक बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अगर आपके घर पे किसी डॉग को इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाए, सबसे पहले उस डॉग को सेग्रीगेट करना है हमने, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर एक बार जिस बाउल में डॉग ने खाना खा रहा है दूसरा डॉग भी उसी में खाना खा लेगा तो सेम डे उसके अंदर ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसमें भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट आते हैं इसके, बड़ी प्रूवन दवाई है। दूसरा कि और भी एक दो मैं आपको यूज़ बता सकता हूँ, क्योंकि आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपको चलो दो यूज़ और बताते हैं। जब भी डॉग को कोई स्किन प्रॉब्लम होती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है स्किन की या कुछ भी खारिश खुजली जब बिल्कुल ठीक ना हो रही हो, थूजा को सल्फर के साथ मिक्स करके देते हैं। सल्फर 30 पोटेंसी में यूज़ करनी है और थूजा 200 पोटेंसी में यूज़ करनी है। 10-10 बूंदें सुबह शाम दीजिए, जो क्रॉनिक खारिश है उसमें बहुत ही बढ़िया आराम आता है। तो आप कभी यूज़ करके देखना और मुझे रिजल्ट बताना कैसे लगे। होप करता हूँ गाइस इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गाइस वीडियो पसंद आई है तो सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सभी अपने जितने भी यार दोस्त हैं सबको ये वीडियो शेयर करनी है और जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करो। यार चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप, और जिसको ये वीडियो पसंद आई है उसने क्या बोले, लव यू डॉक्टर, क्योंकि मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू।